तो दोस्तों आप सबके लिए आज बहुत सारे गुड न्यूज़ है इंडियन फुटबॉल से जुड़े। तो चलिए जल्दी से एक एक करके सारे चीज़ों को देख लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोमदीप और मैं आप सभी को इंडियन स्पोर्ट 360 की और एक ब्रांड न्यू एपिसोड पे वेलकम करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट था, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है इंडियन फुटबॉल के लिए और भी बेहतरीन कंटेंट्स लाने में। तो अपडेट नंबर वन है, जैसा कि न्यूज़ आ रहा है कि फीफा ने इंडिया के ऊपर से सस्पेंशन रिमूव करने का डिसीजन ले लिया है और इसका ऑर्डर कभी भी रिलीज़ हो सकता है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। देन अपडेट नंबर टू है दोस्तों, एटीके मोहन बगान 7 सितंबर को कोलकाता में एएफसी कप के इंटरजोनल सेमीफाइनल मैच खेलने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों जो ओपोनेंट होगा वो डिसाइड हो चुका है, तो वो है एशियन जोन के कंट्री मलेशिया के क्लब कुआलालंपुर सिटी। तो ये एक अच्छा क्लब है एंड टफ फाइट देगा एटीके मोहन बगान के खिलाफ, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द लिफ्टिंग ऑफ फीफा बैन। तो अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ 24 अगस्त को सारे स्टेट एफएस ने दिल्ली के एक होटल में मीटिंग किया एंड वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि जो भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर एंड अदर एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर पोस्ट होंगे, एवरीथिंग विल बी यूनैनिमस। दैट मीन्स कोई किसी के खिलाफ नहीं खड़ा होगा इलेक्शन में, जिससे कि कोई भी डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर ना हो जाए। तो अब देखिए, मोर और लेस सारे पोस्ट डिसाइड हो चुके हैं। हालांकि इलेक्शन तो 2 सितंबर को होंगे, बट हर एक पोस्ट पे सिर्फ एक ही कैंडिडेट नॉमिनेशन दे रहा है। सो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे एन ए हैरिस फ्रॉम कर्नाटक एंड ट्रेजरर के तौर पे कीपा अजय फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों को यूनैनिमसली नॉमिनेट किया गया है। और प्रेसिडेंट के तौर पे कल्याण चौबे को मोस्ट ऑफ द स्टेट एफएस द्वारा नॉमिनेट किया गया है, लेकिन बाईचुंग भुटिया ने सरप्राइजिंगली अपना फ्रेश नॉमिनेशन फाइल किया है और उनको आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान एफए द्वारा सपोर्ट किया गया है। सो इंटरेस्टिंगली दो फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर प्रेसिडेंट पद के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे। तो टोटल 17 मेंबर्स का इलेक्शन होना है, तो बाकी के 14 एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे अभिजीत पॉल फ्रॉम ओडिशा, इम्तियाज हुसैन फ्रॉम बिहार, मेनला एथेनपा फ्रॉम सिक्किम, मोहन लाल फ्रॉम छत्तीसगढ़, लालेंग हिंगलुभा फ्रॉम मिजोरम, के सिखोज फ्रॉम नागालैंड, दीपक शर्मा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, अरिफ अली फ्रॉम उत्तराखंड, विजय बली फ्रॉम पुणे, अनिल कुमार फ्रॉम केरला, जीपी पलगुना फ्रॉम तेलंगाना, दिलीप सिंह शेखावत फ्रॉम राजस्थान, मलोजी राजे छत्रपति फ्रॉम महाराष्ट्र एंड ब्लांका नताशा अल्मेओ फ्रॉम गोवा। और दोस्तों जो जीएस एंड सीईओ, ये दो इम्पोर्टेंट पोस्ट होंगे, मे बी इनमें से एक पोस्ट पे दिल्ली एफए के प्रेसिडेंट शाहजी प्रभाकरन को अपॉइंट किया जाएगा। तो आज 11 AM पे रिटर्निंग ऑफिसर उमेश शर्मा के पास इन सारे लोगों को नॉमिनेशन जमा करना था एंड इन 17 मेंबर्स के अलावा 6 एमिनेंट प्लेयर, जिनमें से 4 मेल एंड 2 फीमेल, इनका भी नॉमिनेशन होना है जो इसके बाद होगा। एंड ये इंश्योर किया जा रहा है कि एक ही स्टेट से 2 प्लेयर ना रहे। सो 2 सितंबर को यही रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, जो मैं आप सबको पहले ही बता दिया। सो लेट्स होप कि अब AIFF बेहतरीन ढंग से काम करेगी। तो आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे ही आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलता हूँ आपको और किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।